प्रणाम दीदी। दीदी आलू के छटाई शुरू कर रही है। आलू के छटाई दीदी शुरू हो गए, रोपियो के समय आ गए, अहाँ कहाँ से आई है दीदी? बीज वाला आलू लेकर के आ रही है दीदी। आओ सुस्ता लियो चाय पी लेम त जाए की दीदी। यह सब आलू रोपब? हाँ दीदी, यह आलू हम रोप छे, एकर उपज बहुत अच्छा होई छे दीदी। बीज तो हमरा न ठीक लगइए दीदी। आलू में कौन खराबी है? हम तो हर साल यह लगब छियै। हर साल तो दीदी पाला लगिए जाए छे, मगर कि पाला से जे बच कर जे बचल है वही आलू बीज में रख लिए है। हर साल तो पाला मारिए दे छे, आ जे खेत में हमरा पाला न मारलक रह वही खेत के बीज हम रख लिए। हमरे खेत के बगल में दीदी के खेत है, वही में पाला न लागल है। दीदी के खेत में पाला कम लगाई छे, और दीदी के आलू भी एक साइज के रहे छे, आ दीदी के आलू के भी साइज चमक ज्यादा रहे छे, ओकरा जे है से कथी कहे छे कि पैकार ज्यादा चाहे छे आलू के। हाँ दीदी ठीक कहलिए दीदी। हमरा ऐसन खेती करे के लेल दू चार गो तरीका में सुधार करे के पड़त। दीदी ये सब कौन तरीका है? दीदी ये सब तरीका अपने आवे के लेल कोई बड़का बात न है, हम सब ये तरीका अपना सकलिए है। पाला से बचावे के लिए दीदी बहुत उपाय है, लेकिन पहला उपाय बीज से शुरू है। पहला तरीका आलू के बीज के सही चुनाव से है दीदी। हाँ दीदी सब तरीका है दीदी, हम अपना बउआ के बुलवा करके हम बता दें। बउआ बीज लेकर के आ गेलन, आ बीज के उपचार क करके और तरीका बता दे दीदी। बीज उपचार करे से पहले अहाँ के हम बीज के चुनाव के तरीका भी बता दे रही है साथे साथे। दीदी आलू उपचार करे से पहले एक बात और पर ध्यान देवे के होइ छै कि बीज के चुनाव जे है सही चुनाव जरूरी है, जेमे कि अहाँ के आलू के बीज में बहुत ऐसा आलू है जे न रोपे लायक है। जैसे ही देख लू बीज, जैसे दीदी ये सब आलू बीज के रोपे में काम न आते, जैसे देख लू कटल आलू भेल, हरा आलू भी न बीज में काम आए, और सुखरी टाइप के आलू और ज्यादा छोटा आलू भी बीज में काम न आते। दीदी अपन वाला बीज दीदी सबके दिखा दिया। ठीक है दिखा दे। देखो दीदी हमार आलू के बीज है, हाँ दीदी एक साइज का बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बड़ा भी नहीं है, सब एक साइज का है। हाँ दीदी पर साल जो आलू उपजला तो एक साइज के सब बीज छांट करके हम कोल्ड स्टोर में रख दे। हाँ दीदी बतैली रह कि बउआ अतन तो उपचार के बारे में बतातन से अखनी बतातन। सब कुछ तैयारी हो ना? हाँ हाँ शुरू करा। ये आलू हम कोल्ड स्टोरेज से तीन दिन पहले ले ली, इसलिए आहा सब भी ध्यान रखम कि जोन बीज के उपचार करब ओकरा कोल्ड स्टोर से तीन दिन लेला के बाद। भैया तीन दिन के बाद कह ले रुपये? दीदी ये तीन दिन जो कहली हम कोल्ड स्टोरेज में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में आलू रखल रहै छै, आ ओकरा निकालबै त यहाँ 30 से 32 डिग्री सेल्सियस गर्मी मिल जाइ छै, तऽ एक कारण यहाँ के वातावरण में थोड़ा रह जतै आलू, तऽ ऐसे उपचार करला के बाद या रोपे के बाद सड़तै न।
दीदी एक कट्ठा में अहाँ सब कितना आलू के बीज लगबे छिए? 30 से 35। अच्छा तो ई साइज के जे आलू है दीदी ओ 35 से 40 किलो एक कट्ठा में लगते। तो दीदी एक कट्ठा में जे है 35 से 40 किलो आलू अगर लगे तो हम 10 किलो आलू के उपचार करके बता दी थी, ओके बाद जितना कट्ठा आलू रोपे के हुए तो वही हिसाब से अहाँ सब उपचार कर ले। ठीक दीदी ई M45 फफूंदी नाशक, M45 फफूंदी नाशक जे है दवा ई तो अहाँ सब जानै छी दीदी? हाँ भैया ये दवाई छिड़काव आलू में करै छी। दवा मिलावे के लिए दास्ताना के भी जरूरत होइए और दवा डाले के लिए खप्पी माचिस के एकरो जरूरत होइए। 10 केजी आलू बीज के लिए 10 लीटर पानी के भी जरूरी होइए। दवा और पानी के घोल बनावे के लिए एक बड़ा बर्तन के भी जरूरी होइए। एक जूट के बोरा के भी जरूरी होइए जे कि यहाँ है। दीदी हम अब 10 लीटर पानी एहिमे डाल रही है तो 10 लीटर पानी के लिए आलू कितना होवे के चाहिए? 10 किलो। अच्छा अच्छा थोड़ा मदद करब, पहले हम पानी डाल दी। ठीक तो 10 लीटर पानी के लेल इमे 5 ग्राम अटै छै माचिस के खपा में छोटा वाला है, एकरा 4 बार रखबै तो 20 ग्राम डालेला। अब हम 5 ग्राम एक बार डाल रही है। दीदी ऐसे 4 बार 4 खप्पा डाल देली 20 ग्राम हो गए। दीदी 1 किलो बीज में 1 लीटर पानी और 2 ग्राम दवा पड़ल, समझ गई ना दीदी? अब एमे हम एक मिला करके और बीज डाल, ठीक है ना? देखो दीदी अ तरह के अंकुरित बीज के उपचार में न लाबे के है, अगर अ तरह के बीज के उपचार करवाई तो उपचार करते समय में एकर अंकुआ टूट जाता और जन्मेशन न हो। अब दीदी 10 किलो आलू एमे हम डाल दे। अब ना दीदी एकरा 20 मिनट तक यही तरह से छोड़ देवेला है। उपचार के कोई भी काम छाया में ही करे के है और 20 मिनट के बाद जो है बोरा पर एकरा रख लेवे के है। 20 मिनट के बाद ये आलू के निकालला के बाद, आलू बीज के निकालला के बाद इमे एक बार 10 किलो और दूसरा आलू बीज भी उपचार कर सके छी दीदी? ओकरा बाद जो है 2 बार के बाद एक दवा में आलू बीज के छायादार जगह में ही सूती बोरा पर बराबे ला है, सुखावे ला है और आलू पर आलू न रहे और 1 से 2 घंटा एकरा छायादार जगह पर बराबे ला है और एक आध बार हो सके तो और चला दे हम एकरा, ठीक ना? ठीक। ई जे है अच्छा तरह से सूख जाए के बाद एकरा बाद खेत में लगा दे। अहाँ जे बतलियै है बहुत अच्छा लगलै है, हमहूँ एहे विधि से करबै जे ई उपचार हमरो अच्छा लगै छै। अहाँ के आलू में पाला जे कम मारैत रहे से पहला उपाय एहे है? हाँ दीदी पहला उपाय एहे है। दीदी यहाँ से जो कह रही है इनकरा आलू में पाला कम लगे छै, उपज अच्छा हो छै, व्यापारी ज्यादा चाह करे छै इनकरा आलू के, आलू में चमक ज्यादा हो छै, ओकर पहला उपाय यही है। इही तरह से बहुत सारा उपाय है जे यहाँ के हम धीरे धीरे बताए। ई उपाय कैला से बाजार में आलू के वैल्यू अधिक बढ़ जाए छै। इस तरह से उपजायल आलू अगला बार बीज में भी उपयोग हो सके छै। हां भैया। दीदी अब हमरा बहुत समझ में आ गेल के अहाँ के आलू के वैल्यू कैला ज्यादा है से। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आलू के बाजार में वैल्यू बढ़ावे के लेल और अगला साल बीज सुरक्षित करे के लेल ओकरा पाला से बचाना जरूरी है, जेमे सबसे पहले बीज उपचार करना जरूरी है।
आलू के बीज उपचार करे के लेल कुछ मुख्य बिंदु है जेकरा ध्यान रखना जरूरी है। 1 किलो बीज के लेल 1 लीटर पानी और 2 ग्राम M45 फफूंदी नाशक जरूरी है। आलू के बीज के M45 और पानी के घोल में 20 मिनट रखना जरूरी है। उपचारित बीज के 20 मिनट के बाद जूट के बोरा पे बराए खातिर 2 घंटा के लेल रखेला। पहली